हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पीएम किसान पोर्टल पर एक नई अपडेट आई है। जी हाँ, पीएम किसान पोर्टल पर एक अपडेट आई है और वो अपडेट है आधार नंबर इज़ वेरीफाइड। तो दोस्तों, मैं आपको इस अपडेट के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि यह अपडेट क्या है तथा यह अपडेट से आपको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह नई नई वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले ही एक किसान का स्टेटस खोल के रखे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं PFMS बैंक स्टेटस के नीचे आधार स्टेटस, इसके बगल में आप देख सकते हैं आधार नंबर इज़ वेरीफाइड और किसी किसी का लिखा आ रहा है आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसका मतलब क्या है, आधार नंबर इज़ वेरीफाइड का मतलब क्या है और फिर इसके लाभ के बारे में जानेंगे। तो आधार नंबर इज़ वेरीफाइड का मतलब है आपका नाम और एड्रेस जो आधार में है और जो आप पीएम किसान के पोर्टल पर डाले थे वो सेम है, मतलब एक ही है, तो आपका आधार नंबर इज़ वेरीफाइड आ रहा है। और जिनका आधार नंबर और पीएम किसान के पोर्टल पर नाम और एड्रेस अलग अलग है उनका आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड आ रहा है, तो उनको सुधार करवाना पड़ेगा। अब बात आता है इसका लाभ। तो इसमें लाभ यह है कि आपका पैसा जो है पीएम किसान का पैसा जो है वह आधार नंबर इज़ वेरीफाइड लिखा आने पर आपका पैसा मतलब आने लगेगा, आपका इंस्टॉलमेंट आने लगेगा। देखिए, जिनका हम स्टेटस खोल के रखे हैं उनका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है। आधार नंबर वेरीफाइड होने के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ गया है इनका, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट बाकी है। तो जिनका आधार नंबर इज़ वेरीफाइड लिखा आ रहा है उनका पैसा मतलब आने लगेगा, उनका पैसा रुकेगा नहीं। और जिनका आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है उनको सुधार करवाना पड़ेगा। अगर आपका आधार नंबर इज़ नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है तो आप किस प्रकार सुधार करवा सकते हैं? तो आधार इज़ नॉट वेरीफाइड लिखा आ रहा है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में सुधार करवा सकते हैं। तो ऑनलाइन सुधार अगर करवाना चाहते हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह नए नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स।